हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा में। मैं अखिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग विश्व का इतिहास, जी हाँ, विश्व के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे और ये रिवाइज वीडियो है मित्रों, याद रखिएगा, रिवाइज वीडियो। और हमारे चैनल पर आप सबको फ्री PDF मिलने वाला है। जी हाँ, फ्री PDF शिक्षा से संबंधित A to Z जितने भी आपको PDF मिलेगा वो फ्री मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अखिल शिक्षा टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिए, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलिए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज यहाँ विश्व के इतिहास से संबंधित, कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो ये था मैगलेन लिखा है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा क्वेश्चन, धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है मार्टिन लूथर किंग को। और तीसरा जो क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है। यह है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है जर्मनी का निवासी था कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो माओत्से तुंग याद रखिएगा आप लोग, माओत्से तुंग चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, छठवां क्वेश्चन है कि चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो चान लाई नाम याद रखिएगा आप लोग, कि चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सातवां, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि किस रंग की है। तो यह हल्की नीली रंग की। और आठवां क्वेश्चन है, जैतून की वक्राकार शाखाएँ जो ऊपर से खुली है और उनके बीच विश्व का मानचित्र बना है, यह किस विश्व संगठन का ध्वज है। तो यह है संयुक्त राष्ट्र संघ का। जब आप संयुक्त राष्ट्र संघ का लोगो देखेंगे तो आपको जैतून की वक्राकार शाखाएं मिलेंगे और उसके बीच में विश्व का मानचित्र मिलेगा। अगला है, धर्म सुधार यानी किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। तो प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो आपको याद रखना है कि 16वीं सदी में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है, रूस का अंतिम जार कौन था। तो यह जार निकोलस द्वितीय। बारहवां है, दास कैपिटल की रचना किसने की। तो यह कार्ल मार्क्स ने की थी। किसे आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता कहा जाता है। आपको पता भी होगा मित्रों कि तुर्की यूरोप का मरीज कहलाता है, और मरीज इसलिए कहलाया जाता है कि एक समय में तो तुर्की बहुत संपन्न था, लेकिन वहाँ के जो शासक हुए वो बड़े भोग विलासी निकले, जिसके कारण तुर्की का नाश होने लगा। और बाद में जो तुर्की उभरा, आगे बढ़ा, तो उसके नेतृत्व करने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे, जो तुर्की को फिर से एक नया जन्म दिया। इसे इनको तुर्की का पिता भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक कौन था। तो ये मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही हैं, ये तुर्की के हैं। अगला, किस देश ने वीटो का सर्वाधिक बार प्रयोग किया, वीटो पावर जो मिला है। तो आप देखें, जो विश्व संगठन में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, उसमें जो रूस है, रूस सबसे ज़्यादा वीटो पावर का सर्वाधिक प्रयोग किया है, ये भी आपको ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हम लोग और अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने सदस्य देश हैं, यानी आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने देश सदस्य हैं। तो वह 54 देश जो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में सदस्यता लिए हैं। अगला है, किसे मानववाद का संस्थापक माना जाता है। तो पेट्रॉक को माना जाता है, ये ध्यान रहे। किसे इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। तो वैकेसियो को इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना किसने की। तो कार्ल मार्क्स। और अगला क्वेश्चन है, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था। तो जार निकोलस द्वितीय, आपको याद रहे कि जार निकोलस द्वितीय।
चलिए अगला देखते हम लोग, जार निकोलस द्वितीय आप याद रखिएगा। चलिए अगला है, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर सन यात सेन को, डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं, उसी तरह से चीन में डॉक्टर सन यात सेन को राष्ट्रपिता के रूप में मानते हैं। अगला, डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद किसने कुओमिंतांग पार्टी के का नेतृत्व संभाला था? तो चांग काई सेक ने। थोड़ा नाम इनका बड़ा अजीब रहता है दोस्तों, कहने में थोड़ी दिक्कत होती है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, विश्व बैंक IBRD का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक की बात है तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। अगला है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो ये इंग्लैंड में। आप जानते हैं कि अंग्रेज कितने चतुर और कितने बुद्धिमान थे, है ना? तो औद्योगिक जो विकास हुआ सबसे पहले वो इंग्लैंड में हुआ था। फैक्ट्रियां लगी, उद्योग धंधे तेजी से विकसित होने लगे और उन्होंने दूसरे देश में जाकर उपनिवेश स्थापित करने लगे। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है, प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र का कि यह परिभाषा किसने दी? तो यह दी थी अब्राहम लिंकन ने। और अब्राहम लिंकन कौन थे? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। बहुत गरीब परिवार से थे लेकिन अपने योग्यता के बल पर इन्होंने राष्ट्रपति पद तक पहुंचा। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की? देखिए हाँ, इनकी हत्या हुई थी इनके शासनकाल में ही, तो जॉन विल्कीज बूथ ने इनकी हत्या की थी। चलिए अगला है, कौन कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा? तो फ्रेडरिक एंजेल्स, ये कार्ल मार्क्स के मित्र थे, साथी। अगला है, अन्ना कैरोनीना की रचना किसने की? तो लियो टॉल्स्टॉय ने। ये भी आप याद रखिएगा। जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना? तो चीन। आपको पता होगा मित्रों कि एक समय में जापान इतना ताकतवर देश आज भी है, लेकिन हम आपको बता दें कि विश्व युद्ध जब हुआ था दूसरा, तो उसमें चीन, रूस ये सब घुटने टेक दिए थे जापान के आगे। वो तो अमेरिका नागासाकी और हिरोशिमा पे परमाणु बम डाल दिया, जिसके वजह से जापान को झुकना पड़ा, क्योंकि अमेरिका भी चाहता था तो मेरी भी इज्जत नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। खैर चलिए अगला देखते हम लोग, पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता था? तो जापान को, याद रखिएगा जापान को। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। चलिए मित्रों 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन मित्रों, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम, रोम। और रोम कहाँ है? इटली में, इटली देश में ही रोम है, रोम शहर में। खाद्य एवं कृषि संगठन ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का ही अंग है। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना शहर में, और वियना का ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत समझना मित्रों, ऑस्ट्रिया है, ये यूरोप में है ये देश। और अगला है, मोनालिसा का, मोनालिसा नामक चित्र की रचना किसने की? तो लियोनार्डो द विंची। ये मोनालिसा, और ये ऐसा चित्र किए ना आज तक कोई ऐसा बना पाया ना आगे बना भी सकता है, ऐसा लोग मानते हैं। चलिए अगला है, द लास्ट जजमेंट योम द फॉल ऑफ मैन किसकी चित्रकृतियां हैं? तो माइकल एंजेलो, और ये कहाँ के थे? इटली, आप याद रखिएगा माइकल एंजेलो, माइकल एंजेलो देखिए यहाँ है, अब याद रखिएगा। अगला है, रूस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? जो रूस का क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला है, रूस में वोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन। और अगला, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ? हिटलर के नेतृत्व में। आप तो जानते हैं हिटलर कितना क्रूर था, इसको एक बार जेल में डालता था तो फिर वो बाहर नहीं निकलता था, जेल में ही उसकी कब्र खुदवा देता था। जब तक हिटलर था लोग ये मानते रहे मित्रों कि हिटलर बहुत ही राष्ट्र भक्त है,
उसकी राष्ट्रता पे कोई शक नहीं करता था, लेकिन जब वो मरा तब जाके लोगों को पता लगा कि जर्मनी कहाँ पहुँच गया, कितने नीचे चला गया हर विभाग में। जब जेल को खंगाला गया तो कितने जूते मिले थे, आपको पता होगा कक्षा 10 के ही किताबों में है, सामाजिक विज्ञान में आप देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, तो हिटलर ने ही की थी। और अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ, तो लंदन में। और अगला है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में। और द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय है, और ये कहाँ है, तो नीदरलैंड में है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो इटली में। दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखिए औद्योगिक इंग्लैंड याद रखिएगा और पुनर्जागरण इटली याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है विश्व इतिहास, यहाँ से तो क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ, इटली आप याद रखिएगा। और लास्ट है इसमें इस पेज का 42वां, कि किस दार्शनिक को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है, तो दांते। और दांते किसके लिए फेमस हुए थे, डिवाइड कमेटी के लिए। डिवाइड कमेटी इनकी एक रचना है, और इन्हें उसी रचना के ऊपर पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है, बहुत फेमस रचना था। चलिए अगला पेज देखते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों अगला है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है, फ्रांसीसी सेंट साइमन को। और 44वां नंबर क्वेश्चन है, फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया, तो जॉर्ज वर्नार्ड शॉ ने, यह भी आप याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किस विश्व संस्था की स्थापना की गई, तो राष्ट्रसंघ की, यह प्रथम थी। लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस विश्व संस्था की स्थापना की गई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रथम में तो राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, कई राष्ट्र मिले अपना संघ बनाए, लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और इतनी भयानक नरसंहार हुआ, परमाणु बम गिरे नागासाकी हिरोशिमा पे, जापान का शहर है, तबाह हुआ, तो लोगों ने सोचा कि भविष्य में ऐसा ना हो, इसीलिए विश्व संगठन की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ का। चलिए अगला देखते हम लोग, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस, पेरिस में है। और अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो त्रिग्वेली थे। त्रिग्वेली याद रखिएगा आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, PCS लेवल पे भी बनता है, जो विश्व इतिहास से जब भी क्वेश्चन उठाया जाता है तो यहाँ से, तो इस चैप्टर से तो बनता ही है, बनता है संयुक्त राष्ट्र संगठन से। चलिए और अगला क्वेश्चन है, यूटोपिया किसकी रचना है, तो टॉमस मोर की रचना है यूटोपिया। डेकामेरान की किसकी रचना है, तो डेकामेरान की कहानियाँ भी चलता है, डेकामेरान ये रचना है वो कैसियों की, वो कैसे याद रखिएगा। तो मित्रों आज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये रिवाइज के तौर पर आपको वीडियो दिया जा रहा है, आपको PDF फ्री मिलेगी, आप टेलीग्राम पर जाइए, अखिल शिक्षा सर्च करिए, वहाँ से आपको शिक्षा से संबंधित जितने भी PDF है आप अपने मर्जी से फ्री में डाउनलोड कर आप नोटबुक बना सकते हैं या अध्ययन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मित्रों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।